कृपया सुनने से पहले इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, क्योंकि सुनने में आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे और उन्हीं 2-3 मिनट में किसी की जिंदगी बच सकती है। अगर एक मुसलमान 2 हिंदू लड़कियों से शादी करके 12 बच्चे पैदा करे तो केवल 24 साल में मुस्लिम भारत पर कब्जा कर लेंगे। हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे ही युवक को पकड़ा है। इस युवक का नाम है वसीम अकरम है। वह फेसबुक दक्ष शर्मा के नाम से प्रोफाइल बनाकर हिंदू युवतियों को फंसाता है, फिर उनका शारीरिक शोषण करता है। पुलिस ने अकरम को नजीराबाद से पकड़ा है। वसीम ने पूछताछ में बताया कि लव जिहाद के नाम से ये सब कुछ चल रहा है। इससे जुड़े कट्टरपंथी हिंदू लड़कियों को फंसा कर उनसे शादी कर लेते हैं। इसका मुख्य संगठन ढाका में है तथा हिंदुस्तान में इसका मुख्य संगठन केरल में है। इस संगठन का मानना है कि अगर एक मुस्लिम युवक एक हिंदू लड़की से शादी करके 6 बच्चे पैदा करे तो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनने में 40 साल लगेंगे, और अगर एक मुसलमान 2 हिंदू लड़कियों से शादी करके 12 बच्चे पैदा करे तो केवल 24 साल में मुस्लिम भारत पर कब्जा कर लेंगे। वो कहते हैं कि हिंदू लड़की से शादी करने से एक तरफ हम हिंदू आबादी को बढ़ने से रोकते हैं तो दूसरी तरफ मुस्लिम आबादी बढ़ाते हैं। अकरम ने बताया कि मुल्ला मौलवी मुस्लिम बॉलीवुड सितारों से कहते हैं कि वे कम से कम 2 हिंदू लड़कियों से शादी करें, जिससे कि देश में हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के से प्रति सहानुभूति बने। वो भी सितारों की नकल करके मुस्लिम लड़कों के प्रेम जाल में आसानी से फंस जाएं। जी, आप सबको तो ऐसा मजाक लग रहा होगा ना, बकवास लग रहा होगा, लेकिन आपके साथ हादसा होगा तब आप जाग उठेंगे। कुछ साल पहले आप जानते हैं कि केरल में इसके 2500 मामले सामने आए थे, जिसमें पकड़े गए आतंकवादियों ने इसके बारे में सब बताया था और तहकीकात करने पर ये सारे मामले सामने आए। लेकिन अब तो ये पूरे देश में फैल चुका है। इनका गजवा ए हिंद हिंदुस्तान पर फतह का एक हिस्सा है, जो इनकी मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि पाकिस्तान भविष्य में हिंदुस्तान पर फतह करेगा और पूरा हिंदुस्तान एक मुस्लिम मुल्क होगा। आप गजवाए हिंद के बारे में नेट पर या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें खुद पाकिस्तानी बोल रहा है कि इसके बारे में कि हिंदुस्तान मुसलमान मुल्क होगा। शेयर इफ़ यू आर अ ट्रू हिंदू। कृपया इस संदेश को प्रसारित करने में मदद करें। आपका एक मैसेज हिंदुओं की जागरूकता के करिए कराया आएंगे और किसी बहन की जिंदगी इन दरिंदों से बचाई जा सकेगी। जो भी हिंदू हैं वो SMS आगे 40-50 लोगों को फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत।